हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो यहाँ पर मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलियन लीग का, मेलबोर्न विक्ट्री वर्सेस मैकार्थर के बीच 10:30 बजे। एंड बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, भाई लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है। सो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेलबोर्न विक्ट्री और मैकार्थर का लास्ट सीज़न में कंपैरिजन करते तो शायद अच्छा भी लगता। आप बोलते कि हाँ भाई, ये तो 2023 और 24 का सीज़न है, लेकिन ये वाला सीज़न जो है ना, ये 2024 और 25 का है। ये 25 तक चलेगा और वो भी बहुत दूर तक। इसलिए मेलबोर्न विक्ट्री टीम बदल चुकी है। पहले तो आप ये पुरानी मेलबोर्न विक्ट्री के पीछे जो पड़े बैठे हो, उससे थोड़ा आगे बढ़ो मेरे भाई, क्योंकि मेलबोर्न विक्ट्री और भी स्ट्रांग हो सकती है। आप ये इस चक्कर में मत रहो। उसके बाद मैकार्थर को भी हल्के में मत लो, क्योंकि उनका जर्मन फॉर्म में है। जर्मन एक इनका खिलाड़ी है, वो फॉर्म में है भाई। तो ये एक डबल साइडेड मैच है, डबल साइड। जो सुबह सुबह खेल रहे हैं तो मेरी बात याद रखें कि आप डबल साइड टीम भी बना सकते हैं। तो आगे चलते हैं। तो स्ट्राइकिंग की बात करें तो स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर जैकॉलिस इनका एक प्लेयर है, जिसके मैंने 2 मैच देखे ऑस्ट्रेलियन लीग में। एक 20 अक्टूबर का, जिसमें इसने 2 गोल किए, एक न्यूकैसल जेट्स के अगेंस्ट जिसमें इसने 1 गोल किया। और मैं, ये बंदा छा गया, मतलब मेरी नज़रों में बिल्कुल छा गया। तो मैं इसके साथ 101% जाने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं इस सिचुएशन पे छोड़ता हूँ तो भाई मैं बेवकूफ़ कहलाऊंगा। अगर मैं आज इस प्लेयर को ड्रॉप करता हूँ और अगर ये गोल करता है, तो आप भी मुझे बोलोगे यार क्या अजीब आदमी भाई, क्यों छोड़ा क्यों था। तो यही रीज़न है कि जैकॉलिस छोड़ सकते ही नहीं। उसके बाद जर्मन की बात करें, जैसे अपना जर्मन फॉर्म में है, जर्मन का मेन फॉर्म है पेनल्टी। अब जैसे 25 अक्टूबर को 4 बार गोल करने की कोशिश की, एक पेनल्टी आई, वो मिस कर दी। तो बंदे का प्रदर्शन तो तगड़ा था, बिना पेनल्टी मिस करने के बावजूद 24 पॉइंट का मतलब है 4 शॉट ऑन टारगेट। एक टारगेट भी लग जाता तो गोल आ जाता भाई। तो जर्मन एक अलग फॉर्म से निकल रहा है, एंड आई प्रेफर दैट जर्मन को भी छोड़ना रिस्की है। उसके बाद वैल्यू पिले की बात करें, देखिए भाई, वैल्यू पिले पिछले मैच में मेरा कैप्टन था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और मेरा वाइस कैप्टन था वेरगस। और मेरा वो मैच इतना अच्छा गया था कि आई कैंट एक्सपेक्ट, मैंने इतना सोचा भी नहीं था कि 26 अक्टूबर को मैं इतने, मतलब अब ये मैं झूठ नहीं कह रहा, इस मैच में मोटी इन्वेस्टमेंट थी मेरी। और मैंने इसको सुबह, इस शायद सुबह का मैच था, तो मैंने ना इस मैच को प्राइम में जब दिया तो मैंने कहा था कि आप या तो रिस्क ले लो, जो मेरे बंदे हैं रिस्क टेकर्स वो ज़रूर खेले, और जिन्होंने खेला लिटरली भाई क्या वो मैच जीते थे। अभी भी 26 अक्टूबर के रिजल्ट मैंने पोस्ट किए, जिसमें वेरगस का बहुत बड़ा रोल था। तो मैं इन दोनों में वेरगस प्रेफर करता हूँ वैल्यू पिले से ज़्यादा। वैल्यू पिले एक पुराना प्लेयर है, बट उसके अंदर मिडफील्डिंग कभी कभी झलकती है। लेकिन एक बिल्कुल प्रो प्लेयर जिसको हम कह सकते हैं एक स्ट्राइकर, वो है वेरगस। मिडफील्डिंग की बात करें तो जेड मकैक, ये मेरी मजबूरी है, मकैक को लेना मेरी मजबूरी है, ये झूठ नहीं है, सब जानते हैं। उसके बाद इनका एक प्लेयर था ना वेलेडॉन, ये रहा, तो वेलेडॉन को मैं ट्राई कर रहा था, लेकिन वेलेडॉन की जगह पर ये बीच में आ गया भाई और ये कर गया गोल। अब क्या है कि रियान को मैं लूँ, अगर मैं रियान को लेता हूँ तो इसका मतलब मैं डर गया पिछला मैच देख के, सीधी बात है भाई। अगर मैं आज भी रियान को लेता हूं तो इसका मतलब है कि मैं सिलेक्शन देख के घबरा रहा हूं, लेकिन मैं इस चीज़ से डरता नहीं। तो मैं पर्सनली रिस्क लूँगा, अगर आपने नहीं लेना तो आप इसको भी ले सकते हो। उसके बाद ऑपोजिशन टीम में ड्रू सबसे पहले लो, ड्रू के बाद हॉलमैन भी लो, क्योंकि क्लीन शीट के चक्कर में एक असिस्ट भी कई बार काम बिगाड़ जाती है, एक असिस्ट, ठीक है। और डिफेंडिंग की बात करें तो मेरे भाई, यहाँ पर एक डबल साइडेड मैच आप कवर कर रहे हो, तो के बॉस जो कि एक टाइम पे 4th डिफेंडर था, आज वो प्राइमरी डिफेंडर बना बैठा है। गीरिया जो 3rd डिफेंडर था, आज वो सेकेंडरी डिफेंडर बना बैठा है। कितने चेंजेस है। बी हामिल मेरे को इतना खास लगता नहीं, ठीक है, और मिरांडा को मैं ले नहीं रहा, तो मेरी नज़र में यहाँ पे नील हो गया। एक प्लेयर जो लेना है वो लूँगा ऑपोजिशन टीम का, पिछले मैच में जुर्मन प्रेफर किया था, लेकिन चल कौन गया, टी उसको, तो मैं उसको के साथ पर्सनली जाऊँगा। और गोलकीपिंग की बात करें तो यहाँ पर डबल साइडेड एकदम मैच है। और अगर मैं शॉट ऑन टारगेट्स की बात करूँ तो दिख रहा है जैकॉलिस और इधर से बड़े शॉट ऑन टारगेट आने वाले हैं, तो मैं लूँगा जे डुंकन को, ठीक है। और बात करें कप्तान की, तो मेरा कैप्टन जो है वो है जैकॉलिस, मेरा जो वाइस कैप्टन है वो आप रख सकते हो जर्मन को या वेरगस को। ये एक डबल साइडेड मैच है, वेरगस को रखोगे तो भी दिक्कत नहीं है, जर्मन को रखोगे तो भी दिक्कत नहीं है। मैं वेरगस के साथ जा रहा हूँ। तो ये मेरी टीम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।